हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वीन प्रेगनेंसी में सूजन आना बहुत ही नॉर्मल बात होती है, लेकिन ये कभी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो जाती है। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें, ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान दोनों बेबी के अच्छे विकास के लिए आपके शरीर को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपके शरीर में जो खून की मात्रा होती है एंड जो तरल पदार्थों की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से आपके सिर्फ पैरों में ही नहीं बल्कि आपके हाथों में, इसके अलावा आपके चेहरे पर भी सूजन आ जाती है। एंड इसके अलावा भी ट्वीन्स प्रेगनेंसी में सूजन आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन होता है अगर आप पानी बहुत कम मात्रा में पीती हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपकी जो शरीर में जो सूजन होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ट्वीन्स प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही से आप एक ही पोजीशन में बहुत देर तक बैठती हैं या फिर बहुत देर तक खड़ी रहती हैं या फिर आप पैर लटकाकर काफी देर तक बैठी रहती हैं, अगर आप लंबे समय तक बैठकर काफी ज्यादा काम करती हैं और अपने शरीर को बहुत ज्यादा थकाती हैं, तो ये भी रीजन होते हैं आपके शरीर में सूजन आ जाती है। अगर आप नमक का सेवन बहुत ज्यादा करती हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत ज्यादा सूजन बढ़ जाती है। नमक ज्यादा लेने से आपको हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपकी प्रेगनेंसी में जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान दो तरीके की सूजन आती है। अगर आप सुबह उठती हैं एंड कोई भी काम करती हैं या फिर जो भी रीजन मैंने आपको बताया उस वजह से अगर आपकी सूजन आती है, तो इस प्रकार की जो सूजन होती है वो जब आप शाम को रिलैक्स करती हैं तो अपने आप ही कम हो जाती है, एंड फिर जब आप सुबह उठेंगी फिर आप वही प्रक्रिया करती हैं तो फिर से बढ़ जाती है, उसके बाद में फिर से कम हो जाती है। तो ये सूजन बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन अगर आपके हाथ पैरों में या चेहरे पे अचानक से सूजन आ जाए तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये आपका प्रीक्लैम्प्सिया का लक्षण होता है और प्रीक्लैम्प्सिया बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है एंड इसके अलावा अगर आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इस स्थिति को ही प्रीक्लैम्प्सिया बोला जाता है और ये सूजन आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। एंड इसके अलावा ट्वीन्स प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, बच्चों का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है जिस वजह से आपके यूट्रस का साइज भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिस वजह से आपके पैरों में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है क्योंकि ज्यादा यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से जो आपके पैरों के निचले हिस्से में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये सूजन बिल्कुल आ जाती है। एंड इसके अलावा जो आपके शरीर में ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिस वजह से भी आपके शरीर में सूजन आ जाती है। एंड ट्वीन्स प्रेगनेंसी में जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आपकी मसल्स को ढीला और सॉफ्ट करने का काम करते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा बढ़ने लगता है, इस वजह से भी आपके शरीर में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। और ये जो सूजन होती है वो आपके पैरों से स्टार्ट होती है, पैरों में हल्की हल्की सूजन आती है, उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती है एंड धीरे धीरे करके आपके पैरों में ऊपर की साइड आना स्टार्ट कर देती है एंड फिर उसके बाद में आपके हाथों पर भी और चेहरे पर भी आ जाती है। अगर आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान सूजन की समस्या होती है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए ताकि आप ये क्लियर कर सके कि आपकी जो सूजन है वो नॉर्मल है या फिर इस सूजन की वजह प्रीक्लैम्प्सिया तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सूजन प्रीक्लैम्प्सिया की वजह से आती है तो इसमें आपका स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का ट्रीटमेंट चलता है ताकि आपकी सूजन जल्दी से जल्दी कम हो, क्योंकि प्रीक्लैम्प्सिया की वजह से जो सूजन आती है वो आपकी बिना ट्रीटमेंट के सूजन नहीं जाती है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी हो रही है तब भी सूजन आ जाती है, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। एंड अब हम आपको सूजन कम करने के कुछ उपाय बताते हैं। सबसे पहली बात, आपको लगातार एक ही पोजीशन में कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप ज्यादा देर तक बैठी हैं तो आप थोड़ी देर तक जरूर टहलें, अगर आप ज्यादा देर तक खड़ी हैं तो आप थोड़ी देर रेस्ट करें, अगर आप ज्यादा देर तक बैठ के काम करिए तो बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उठ के जरूर टहलें। अपनी जो पोजीशन है उसको आप टाइम टाइम पर बिल्कुल चेंज करती रहें। आपको पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास जरूर पीना है ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो। इसके अलावा आपको अपने खाने में नमक की मात्रा कम करनी है एंड आपको अपने खाने में पोटेशियम ज्यादा लेना है।
पोटेशियम आपको जिन चीजों से मिलता है आप उन चीजों का सेवन जरूर करें, जैसे आप केला, पालक एंड आप नारियल पानी का सेवन जरूर करें, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और अगर आपको सूजन आती है तो आप कोशिश करें डेली एक नारियल पानी जरूर पिए, इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। एंड इसके अलावा आप अपने पैरों में मालिश जरूर करवाएं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। एंड इसके अलावा आप जो है गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उसमें अपने पैरों को डिप कर सकती हैं थोड़ी देर तक, इससे भी आपको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। आपको अपनी ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान सुबह और शाम को टहलना जरूर है, आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, जहां तक हो सके आप ज्यादा से ज्यादा जरूर टहलें, इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे भी आपको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप कोई भी कंफर्टेबल एक्सरसाइज कर सकती हैं तो वो भी आप जरूर ट्राई करें, बट विदाउट डॉक्टर की सलाह के ना करें। आप जब भी आराम करने जाएं तो अपने पैरों के नीचे तकिया जरूर रखें, इससे आपके पैरों में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो अच्छा होगा, इससे भी आपकी सूजन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ट्वीन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पे अगर आप ज्यादातर काम खड़े होके करती हैं तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बीच बीच में बैठने की, लगातार खड़े होके कोई भी काम ना करें एंड अपने आप को बहुत ज्यादा ना थकाएं। और डॉक्टर को दिखाने के बाद में अगर आपकी सूजन नॉर्मल है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें एंड जैसा मैंने बोला आप उन चीजों को जरूर फॉलो करें। एंड एक बात और क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है कि ट्वीन्स प्रेगनेंसी में हर किसी को सूजन आए, किसी को आती है किसी को नहीं आती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।